स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती थी। पहली बात तो देखिए, आपको याद होगा कि इक्वेशन में क्या होता है, वो तमाम एक्सप्रेशंस जिनमें इज इक्वल टू का साइन हो, इक्वल्स टू, इन्हें हम कहते हैं इक्वेशन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वेशन, जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, इसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा के बाद बेटा आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, या एक्सपोनेंट वेरिएबल इज 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा, जैसे आप लिखते हैं 5x+10=0, या x-5=0। आप देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है, वो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 डिग्री है। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, और लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax+b=0। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद बेटा देखिए, इसके बाद इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज देखें, इक्वेशन का देखें मतलब ये होता है कि जैसे आप लिखते हैं x=5, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू ना 5 से ज्यादा है और ना ही 5 से कम है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं x=-2, मतलब ये x की वैल्यू -2 है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। इसके मुकाबले में देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई x की वैल्यू आपको 5 से ज्यादा चाहिए, 5 से छोटी चाहिए, इसके लिए भी हम यूज करते हैं इनइक्वालिटीज ना। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि ये साइन आते हैं, इनइक्वालिटीज में साइन आता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन, और ये दूसरा होता है लेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि 5 जो है, 5x=5, इसका मतलब ये है कि x=5, x की वैल्यूज क्या है? x=6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये 100 है। ठीक है, अगर आप देखते हैं x=5, देखिए इसका मतलब ये है जो x की वैल्यू है, इसमें 5 भी शामिल है, 5, 6, 7, 8, यानी ये, अगर आप जब यहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे इक्वल्स टू का साइन, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिख देंगे नीचे इक्वल, तो लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर आप ये लिखेंगे x=5, तो मतलब x की वैल्यूज क्या हैं? 5 से लेस हैं, 4, 3, 2, 1, अगर ये नेचुरल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर x=5 है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगा? इसमें 5 भी शामिल होगा, 5, 4, 3, 2। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग अब इसका एमसीक्यू नंबर 1 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बच्चों, ये एमसीक्यू नंबर 1 है कि द सॉल्यूशन ऑफ x-5/-7<= 3 इज, फर्स्ट ऑप्शन है कि x>-16 एंड x=16, ऑप्शन बी x>-16 एंड x=-16, ऑप्शन सी x>-16 एंड x=16, और ऑप्शन डी है x>-16 एंड x=-16। अच्छा बेटा देखिए, इस क्वेश्चन से पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं कि -5 लेस देन 2, लेकिन ये बात ठीक है,
मगर अगर मैं करता हूं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय -1, ठीक है, यानी मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब बेटा देखिए, ये -5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, -1, ठीक है। ये मैं इनक्वालिटी का साइन फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ये मैं इनक्वालिटी का साइन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं 2 × -1 करता हूँ, बच्चों आप देख रहे हैं कि देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5, इनक्वालिटी का साइन फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ये -2, आप देख रहे हैं कि 5 − 2 से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा आपके पास 5 > -2। तो इन्हीं बताने का मकसद ये है कि आपने याद ये रखना है कि जब भी इनक्वालिटी को आप इनक्वालिटी के एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस, ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन में, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि x − 5/-7 <3। अब बच्चों आपने देखिए, पहले आपने ये -7 कैंसिल करना, ठीक है, आप दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -7 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये x − 5/-7, और आपको ने बताया है कि इनक्वालिटी का आपने साइन कर देना है चेंज, तो ये लेस देन है तो ये हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू, है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3 × -7, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये तो देखिए ये -7 और ये -7 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा x − 5 > 7 − 21। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को यहीं रखेंगे, x > 21 और +5, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा x > −20 − 21 + 5 − 16। बच्चों इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, ये एक तो आ गई > -16 और एक आ गई, हम यहाँ पे से यूँ लिख सकते हैं कि x > -16 and x = −16। देखने आप ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, x > −16 and x = −16, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी को आप बदल कर फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 1 है। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 इसका। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस 2x + 3 = −5। अब बेटा देखें, ये आपके पास आ गई एब्सोल्यूट इक्वेशन, ना इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बेटा देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेसिकली, कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, देखिए जैसे आपके पास ये आपके पास देखें ये नंबर लाइन होती है, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये इस तरह होती है प्लस की वैल्यू, इस तरह होती है आपको पता है माइनस की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव इस तरह पॉजिटिव। अब ये आपके पास है 0, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह ये -1, ये -2, ये -3, ये सो ऑन, ठीक है। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, यानी राइट की तरफ या नेगेटिव अपना लेफ्ट की तरफ, यानी ओरिजिन से जो सेंटर से डिस्टेंस, या पॉजिटिव साइड की तरफ या नेगेटिव साइड की तरफ, वो कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ से फॉर एग्जांपल 0 से लेके यहाँ तक मैं कहता हूँ -3 है, ठीक है, जैसे यहाँ तक -3 मैं ले रहा हूँ,
ये है तो -3, मगर आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो -3 आपके पास क्या हो जाएगा, 3। माइनस का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन ही होती है, वो डेफिनेशन ही होती है कि अगर आपके पास देखिए ए मॉडुलस है, ए मॉड इज इक्वल टू, यानी ये होता है ए के बराबर इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और फिर ये होता है माइनस ए के बराबर इफ ए लेस देन 0, यानी अगर लेस देन 0 होगा, वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ए आएगा माइनस में। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये -5 है, -5 है, अब देखिए ये ए जो है ना ये लेस देन जो 5 है लेस देन 0 है, तो ये फॉर्मूले का आएगा माइनस, और फिर ए आपके पास -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने याद रखना है कि मॉडुलस में एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव। वैल्यू कांट बी नेगेटिव, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है 2x+3 = -5। अब बेटा यहाँ पे पूछ देखिए, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमेशा आती है प्लस में, तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू अगर हम पुट नहीं कर सकते कि वो वैल्यू आए माइनस में। देखिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको ने बताया कि अगर आप यहाँ लिखेंगे -4 तो ये भी हो जाएगी +4, ठीक है, अगर -6 तो ये भी क्या हो जाएगी +6, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि 2x+3 = -5। अब आप यहाँ पे एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है, इसके इसलिए इस कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, तो इस वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नो वैल्यू सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, देयरफॉर जो आप सॉल्यूशन सेट इसका जो आएगा ना वो आपके पास आएगा नल सेट, आएगा नल सेट आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो और राइट पे अगर माइनस का साइन हो, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी। ये आपने याद, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 3, बच्चों इसका पार्ट 3 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये इनक्वालिटी है 6 -2.3x < 0। अब ये आपके पास जो 4 ऑप्शन है, आप चेक करेंगे कौन सी इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। बेटा देखिए आपके पास ये इनक्वालिटी है 6 -2/3x < 0। आपको याद होगा कि पहले स्टेप में आप कॉन्स्टेंट को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये -2/3x < -6। अब आपने एक्स की वैल्यू को अकेली को लेफ्ट पे रखना है, तो आपने -2/3 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए पहले आप 3 को कैंसिल आउट करें, तो पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -2/3x और -6 * 3। अब बच्चों देखिए 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x < -18। अब बेटा आपने -2 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपको मैंने बताया है कि जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपने कर दिया माइनस टू से, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये आपके पास हो जाएगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। और यहाँ पर भी देखिए आपने ये माइनस 18 और डिवाइडेड बाय माइनस टू से आपने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ये देखिए माइनस टू से माइनस टू कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया और 2 9 18। आपके पास देखिए जो रिजल्ट आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी आपने जो याद ये रखना है कि जब भी आप इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, ये ऑप्शन ए को आप फिल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 0। बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है कि मोड के अलावा यानी मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने सॉल्व करना, ठीक है। इनको आपने कोशिश करनी कि राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये है कि एक्स प्लस सेवन और ये मोड प्लस सेवन इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस सेवन यहीं रखेंगे और इज इक्वल टू माइनस सेवन। अभी आपको ने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि मॉडुलस फंक्शन में यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आती है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आप एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू रखें वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये -7 कभी भी आंसर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं तो सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव, तो देयर फोर इसका जो सोल्यूशन सेट है ना वो क्या आएगा, नल सेट आएगा, यानी कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई इसको नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा जो नल सेट। यानी आपने याद क्या रखना है कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वैल्यू हो और इक्वल के उस तरफ राइट तरफ हो माइनस, आप हमेशा इसका सोल्यूशन सेट डायरेक्ट लिख देंगे नल सेट, ठीक है। आपने कोई टाइम ज़ाया नहीं करना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, तो वो आपने नल सेट लिख देना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ मोड एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू 10 9 इज इक्वल टू 5 इज। अब ये चार ऑप्शन है, तो बेटा ये भी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मोड के अलावा जो टर्म्स हैं उनको आपने शिफ्ट कर देना है राइट पर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आपने कर देना है राइट पर, तो जब आप राइट पर शिफ्ट करेंगे मोड एक्स तो यहीं रहेगा और 5 माइनस 9, और यहाँ से आपके पास देखे आ जाएगा मोड एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -4। अब बेटा मोड में एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखें वो हमेशा आ जाएगी प्लस में, देखिए ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रखते हैं या मोड में अगर हम रखते हैं -4, तो तब भी देखिए ये होता है फार्मूला माइनस और ये -4, ये माइनस माइनस +4 आएगी, तो ये कभी भी ना ये कभी भी नहीं आ सकती, -4 कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो मोड में आपने याद रखना जब भी मॉडुलस फंक्शन में कोई वैल्यू अंदर पुट करते हैं तो वो हमेशा आती है प्लस में, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हो जाएगा नल सेट, ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट
माइनस ए, यानी मॉडुलस माइनस ए, मॉड या मॉडुलस या मॉड माइनस ए, वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, माइनस ए प्लस ए माइनस मॉड ए और स्क्वायर रूट ए। बेटा आपको याद होगा कि मॉडुलस फंक्शन देखिए डेफिनेशन ये होती है, अगर देखें माइनस मॉड ए है और अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपके पास क्या आता है, माइनस मोड ए एंड ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये आपके पास वैल्यू आती है ए की प्लस आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताया ना जैसे ये डेफिनेशन होती है कि माई ए इज इक्वल टू होता है ए के बराबर, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो ये माइनस ए होता है, तो ए लेस देन जीरो हो। ठीक है, अब देखिए ये रूल बेसिकली ये होता है, देखें कि जब आप इसे ये करेंगे ना कि माइनस मॉड ए, क्योंकि ए लेस देन यानी ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस में। जब ऑप्शन डी हो अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7 देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का तो बेटा ये तमाम क्वेश्चन जो ना बोर्ड में आए हुए हैं बेसिकली वो हैं। बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 7 है कि लेट ए बी वी बी द टू रियल नंबर्स देन ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से ग्रेटर है। इफ द डिफरेंस ए माइनस बी इज पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब ये है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो है, एंड वी डिनोट दिस ऑर्डर रिलेशन बाय इनइक्वालिटी। देखिए आप इसे यूं लिख सकते हैं, देखिए ए को यहीं रखें, बी या नेगेटिव है वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। वैसे भी देखिए स्टार्ट में लिखा हुआ है एंड ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से क्या ज्यादा होगा, तो बेटा ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, ए ग्रेटर देन बी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए का जो है आप डबल इसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू नंबर 8 है कि एक्स इज इक्वल टू 5 इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 5 लेस देन 0, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 एंड डी एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0। बेटा देखिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने इनइक्वालिटी में पुट करनी है। देखिए पहली इनइक्वालिटी आपके पास है एक्स लेस देन 0, देखिए अगर आप एक्स की जगह पुट कर देंगे 5 तो 5 लेस देन 0 ये आपके पास ये क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखिए जब आप पुट करते हैं एक्स प्लस 5 लेस देन 0 और अगर आप देखिए एक्स की जगह पुट करते हैं 5 तो 5 प्लस 5 लेस देन 0 तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 लेस देन 0, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। इसी तरह देखिए जब आप ये 3 में पुट करेंगे तो 3 आपके पास ये है कि एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह पुट कर देंगे 5 तो देखिए 5 प्लस 5 ग्रेटर देन 0, 5 प्लस 5 आ जाएगा 10 ग्रेटर देन 0, तो ये बात ठीक है, 10 जीरो से बड़ा होता है तो ये आपके पास ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये सही है। ठीक है, और दूसरा भी देखिए जब एक्स की जगह पुट करेंगे 5 तो एक्स माइनस 10, 5 माइनस 10 आ जाएगा -5 लेस देन -5 ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन सी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्स इज इक्वल टू डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है कि माइनस टू लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3/2। पहला ऑप्शन ए है -5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 3/2। बेटा देखिए, अब आपने चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। बेटा देखिए, इनइक्वालिटी आपके पास है -2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3/2। अब देखिए, अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं पहला -5, देखिए -2 लेस देन, और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ -5, ठीक है, और -5 और फिर ये लेस देन आपके पास आ जाएगा 3/2। बट देखिए, -2 लेस देन -5, तो ये बात गलत है। -2 जो है -5 से छोटा नहीं होता, -2 -5 से ग्रेटर होता, तो ये आपके पास ये होगी फॉल्स, ये होगी अब फॉल्स, ठीक है। फिर देखिए, अगर आप पुट करेंगे, देखें जो 3 पुट करेंगे, -2 लेस देन 3, आप 3 पुट कर देंगे और फिर देखें लेस देन 3/2। देखिए, इसमें एक तो ये बात ठीक है कि -2 लेस देन 3 है, मगर 3 जो है ये नॉट लेस देन 3/2। देखिए, जो 3 है 3/2 से छोटी नहीं होती, क्योंकि देखे ना ये आ जाएगा 3 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये आपके पास ये भी आ जाएगा फॉल्स, ये भी क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर देखे, जब हम पुट करेंगे जो 0 पुट करेंगे, अगर आप 0 पुट करें, देखें -2 लेस देन और ये पुट करते हैं आप 0 और ये लेस देन 3/2। आप देखेंगे -2 लेस देन 0 है, ठीक है, -2 लेस देन 0 और 0 लेस देन 3/2, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है ना। देखिए, -2 जो है 0 से छोटा और 0 3/2 से छोटा है, तो ये आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रू। इसका मतलब ये है आपको ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये ठीक है, -2 लेस देन 0, 0 लेस देन डी, बेसिकली ये आपके पास था माइनस, ये बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन डी जो है तो -3/2, -3/2 का वो ये फॉल्स हो गया। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। बच्चों, अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, देन। बट एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, नहीं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब आपने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है कि ए है सिक्स सी लेस देन 1600, बी है सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1600 और सी लेस देन इक्वल टू 1600 और डी है सी ग्रेटर देन 1600। बेटा देखिए, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और बाकी कम जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। अगर एटलीस्ट होता है तो फिर होता है कम अज कम, एटलीस्ट का मतलब
एटलीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है, ये या आपने याद रखना, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा यानी हो सकता है जो भी है, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें, अब कह रहे हैं कि जो जो है ना उसकी जो वेट है एलिवेटर का वो ज्यादा से ज्यादा 1600 है, तो 1600 से कम भी हो सकता है यानी 1500, 1300, 1400। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1600 भी हो सकता है और 1600 से कम भी हो सकता है, तो आपने ये करना है, एटमोस्ट का मतलब ही होता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और बाकी आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।